हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने इस वीडियो में USDNR का एक धमाकेदार स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं, डेवलप करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जबरदस्त स्ट्रेटजी है, इसका लॉजिक समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स मेरा है, वहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप है, कॉल घुमाइए, मुझ तक पहुँचिए, समझिए। ठीक है, आपके आगे बढ़ने में, मार्केट से पैसे बनाने में मैं आपके साथ हूं। ओके, इसके साथ ही आपके लिए एक जबरदस्त सी खुशखबरी है, वो भी फ्री। फ्रेंड, आप अक्सर क्या करते हो, आपके पास जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, वो आप किससे पूछो, किससे ना पूछो, बहुत सारे उलझन रहती है। ठीक है, तो उस उलझन को सुलझाने के लिए हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए दो लाइव सेशन बिल्कुल फ्री, जिसमें आप अपने मन का जितना भी क्वेरी है पूछ सकते हो मुझसे, एंड मैं ऑनलाइन फेस टू फेस उसे सॉल्व करूंगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये लाइव सेशन है दो टाइमिंग में, एक सुबह 11:45 से लेकर के 12:15, आधे घंटे का सेशन। इसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड दूसरा है दोपहर के 3:45, 3:45 से लेकर के 4:15, इसमें USDNR से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। करेक्ट, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बिंदास आइए, ज्वाइन कीजिए एंड मन भर के क्वेरीज पूछिए। ओके, सो आगे चलते हैं, देखते हैं। आज मैं आपके सामने USDNR का एक स्ट्रेटजी डेवलप करने वाला हूं, कंसेप्चुअल है, लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो है आर्बिट्राज स्ट्रेटजी पे। जी हाँ, USDNR में आर्बिट्राज। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपने पास है USDNR फरवरी फ्यूचर, जिसका प्राइस चल रहा है फ्रेंड करेंट अभी 82.65। इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपसाइड की एक एग्जांपल मैं स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा हूँ, डाउनसाइड के लिए भी वही रहेगा। फिलहाल अपसाइड के लिए मैं ये स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं फ्यूचर बाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 100 लॉट पे काम करूँगा फ्रेंड। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 100 लॉट यहाँ बाई कर लेता हूँ एंड इसको डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो सिनेरियो ओपन हुआ है इसको समझते हैं। इसमें क्या है, जितना अपसाइड चलते जाएंगे अनलिमिटेड प्रॉफिट आता जाएगा, जितना ही डाउनसाइड जाएंगे अनलिमिटेड लॉस आता जाएगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, जब भी फ्यूचर हम लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं अपने पास 50-50 का प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट रहता है। जिस प्राइस पे हम लोग बाई करते हैं वहीं से अपना वही ब्रेक इवन पॉइंट रहता है, एंड जो प्राइस हमने बाई किया है वही यहाँ पे डिस्प्ले है एज ए ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, डाउन साइड में अनलिमिटेड प्रॉफिट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए क्या करना है हमें पता है, क्या करना है, पुट बाई करना है। क्वांटिटी कितना है, जितना हमने फ्यूचर में बाई किया हुआ है उतना ही क्वांटिटी हमें पुट भी बाई करना है। बट जो एक्सपायरी होगी इस बार हम लोग सेम रखने वाले हैं, एक्सपायरी में कोई डिफरेंस नहीं। आते हैं यहाँ पे एंड सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड 83 का हम लोग पुट बाई करते हैं इन द मनी का। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग देखते हैं क्योंकि आगे का स्ट्रेटजी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आए 24 फरवरी हमने सेलेक्ट किया एंड 83 का पुट लिक्विडिटी है फ्रेंड, जिसमें लिक्विडिटी नहीं रहता यहाँ पे डॉट बना जाता है। तो फिलहाल 83 का हम लोग पुट बाई करने जाएंगे 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले 100 एंड हमने ये डन किया। ओके, अब यहाँ पे अपने पास क्या है, जो लॉस है वो 14,000 का लॉस है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपने क्राइटेरिया से 10% नीचे है कम से कम। एंड ब्रेक इवन पॉइंट का तो कुछ बात ही मत पूछिए भैया, अगर 50 पैसा ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट आएगा, तो ये स्ट्रेटजी काम, इस स्ट्रेटजी से काम चलने वाली नहीं है। लॉस काफी कम आ रहा है बट भैया इससे काम नहीं चलेगा, इसको और भी बेहतर बनाना है, इसको और भी अच्छा बनाना है। करेक्ट, तो उसके लिए क्या है, मैं दो स्टेप यहां पे और ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा फ्रेंड, इसको इसे मैं 150
लॉट कट देता हूँ, या फिर इसके पहले हम लोग चलते हैं जितना क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, सो जितना क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाय किया है उतना ही अगर सेल कर दे तो, बट सेल करने जाएंगे 24 तारीख का भैया तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो हम लोग सेल कब का करेंगे उसके एक एक्सपायरी पहले यानी 17 तारीख वाली एक्सपायरी पे हम लोग पुट जो है सेल करेंगे। उसका स्ट्राइक प्राइस जो है फ्रेंड वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जानना चाहते हो कौन सा? जी हाँ, ये हमने जो 83 का पुट बाय किया है हम यहाँ पे 83 का ही पुट सेल भी करेंगे, बट एक्सपायरी अलग होगा इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे 83 पे आए एंड सेम क्वांटिटी हमने सेल किया, ओके, एंड इसको हमने अब डन कर दिया। अब जहां थे हम लोग वापस से वहीं पे पहुंच गए हैं अनलिमिटेड लॉस पे, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं, अब उससे हम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं। सो तैयार हो जाओ आप सभी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इस जो हमने बाय किया है पुट को, इस पुट की क्वांटिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे एंड इसे हमने कर दिया 150, करेक्ट। अब हम लोग एक और पुट बाय करेंगे, अब समझना, ठीक है, यहां पे ध्यान से समझना। यहां पे क्या था सबसे पहले अपने पास, अगर अपने पास फ्यूचर 100 था एंड हमने पुट भी 100 बाय किया तो एक दूसरे को वो हैच कर लिया, मतलब जितना डाउन जाएगा उतना पुट में प्रॉफिट आएगा एंड फ्यूचर में अपना नुकसान होगा। बट जैसे ही हमने पुट सेल किया फिर से वही सिनेरियो आ गया, ये दोनों एक दूसरे को तो हैच कर लिए थे बट ये फिर से पुट सेल का मतलब क्या, जितना डाउन साइड चलता जाएगा अनलिमिटेड लॉस आता जाएगा, तो इसी के कारण यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस पुट में 50 क्वांटिटी और ऐड कर दी एंड इसके बाद एक स्ट्राइक प्राइस पुट का हम और लेंगे जिसमें 50 क्वांटिटी और ऐड करेंगे, तो ये 50 एंड नेक्स्ट अभी जो 50 क्वांटिटी ऐड करेंगे दोनों को मिला करके अपने पास फिर से एक 100 पुट का बाइंग हो जाएगा जो इसके लॉस को कवर अप करेगा, करेक्ट। तो चलते हैं एंड उस पुट को बाय करते हैं, उस पुट को हम लोग जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 82.75 का स्ट्राइक प्राइस होगा फ्रेंड, एंड सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस होगा, मतलब 24 फरवरी का ही होगा, करेक्ट। यहां पे आए हम एंड वापस से 24 फेब पे आए एंड यहां पे हमने 82.75 का 50 क्वांटिटी बाय किया, ओके, डन कर दिया। अब ये जो हमने 50 क्वांटिटी बाय किया है फ्रेंड, ये है तुरुप का पत्ता एंड ये जो हमने 100 क्वांटिटी बाय किया है ये भी अभी काफी ट्विस्ट पैदा करेगा इस पूरे के पूरे स्ट्रेटजी में, ठीक है। जैसे ही हमने ये चीज किया अपने पास सिनेरियो वापस ओपन हो गया, इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी बेहतरीन है, 42% का क्राइटेरिया है अपना, एटलीस्ट 35 से ज्यादा हो तो यहाँ 42 है, ब्रेक इवन पॉइंट भी ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे चल रहा है 82.65, तो उससे 5 पैसा ऊपर है एंड जो प्रॉफिट है अनलिमिटेड इससे कोई गिला शिकवा नहीं है एंड जो लॉस है वो है 25,000, बट इतने से सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहाँ पे हमने जो प्रीमियम एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको रिसीव करना है। अब क्या है, अपने पास अप साइड में अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो ये सागर के समान है, इसमें से थोड़ा सा हमें अब प्रीमियम रिसीव कर लेंगे फिर भी अनलिमिटेड प्रॉफिट ही बना रहेगा, बट मुद्दा क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी इंप्रूव होना चाहिए एंड ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारा इंप्रूव होना चाहिए, तभी हम अपने कॉल को ऐड करने का बेनिफिट होगा। तो आइए कॉल को ऐड करते हैं, देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे क्योंकि कॉल को हम लोग सेल करेंगे प्रीमियम रिसीव करने के लिए तो उसको एक्सपायरी अपने पास का रखेंगे। कॉल ऐड करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड जो है अपने पास 17 फरवरी एंड 82.5 का हम लोग कॉल इस बार सेल करने वाले हैं एंड क्वांटिटी जो रखेंगे वो रखेंगे 50 का, ठीक है। इसको डन किया मैंने, अब यहाँ पे जो सिनेरियो ओपन है अब आप देख सकते हो जो लॉस था अपने पास
24,000 का वो घट करके हो गया सिर्फ 12,000, 50%। एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो है 61% का। एंड ब्रेक इवन पॉइंट काफी हद तक कम आ गया है, वो है 82.48 का। एंड जो पे ऑफ ग्राफ हम लोग देख सकते हैं क्या बेहतरीन सा ग्राफ बना है, एंड हर चीज अपने क्राइटेरिया से कहीं ज्यादा उम्मीद से ऊपर है। सो अब इस स्ट्रेटजी में हम लोग यहां पे देख सकते हैं जो भी क्राइटेरिया है सारा का सारा मीट किया है, एंड इस कॉल जो हमने लास्ट में सेल किया है उसके कारण। अब मैं एक चमत्कार और आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे, ये जो हमारे पास सेल क्वांटिटी है इसे आप देखिएगा, मैं जब क्वांटिटी इसका बदलूंगा एंड इन सारे पे आप नजर डालना कि क्या फर्क पड़ता है। अब यहां पे जो क्वांटिटी है फ्रेंड, मैं इसे जैसे ही चेंज करूंगा आप देखना यहां पे क्या चेंज होता है। अगर इस क्वांटिटी को 100 के बदले मैं 80 कर दूं तो क्या चेंज होगा, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो। जैसे ही मैंने 100 को 80 किया आप यहां देख सकते हो क्या कमाल का चेंज हुआ है। यहां पे देखिए सिर्फ 1100 का लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड, एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस पॉइंट से हम लोग कहीं भी लॉस में नहीं आ रहे, जो कि पॉइंट है 82.3 के आसपास का। एंड यहां से ये कंटिन्यूअस हम लोग प्रॉफिट में देख रहे हैं इस ग्राफ को। लॉस में जो थोड़ा बहुत दिखा रहा है फ्रेंड वो ये है, यहां पे लगभग मान के चले 1100 के आसपास का अपने पास लॉस है। बट एक चीज आप गौर कीजिएगा, अगर 1100 का लॉस है एंड हम 83 के प्राइस पे पहुंच जाते हैं एक्सपायरी के दिन भी, तो अपने को लगभग 5800 का प्रॉफिट है, मतलब 1:2 लगभग 6 का आरआर रेशियो। 1100 के लॉस पे 5800 का प्रॉफिट, 1:5 भी मान लो दोस्तों तो 1:5 का प्रॉफिट है, ठीक है, सिर्फ 35 पैसे के मूवमेंट पे। अभी 82.65 चल रहा है एंड जो अपने पास प्रॉफिट आएगा वो आएगा लगभग 5 गुना ज्यादा, सिर्फ एक के मैंने सिर्फ क्वांटिटी मिसमैच किया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कमाल का है, आप देख सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। सो इस स्ट्रेटजी में एक खासियत है कि एक छोटा सा बस इसको मैंने मिसमैच किया, इसके क्वांटिटी को हेर फेर किया, क्या होगा जब मैं इसकी क्वांटिटी में हेर फेर करूंगा, ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ न्यू स्ट्रेटजी। आपके लिए एक फ्रेंड खुशखबरी है कि हमने एज प्रेडिक्टेड एंड एज मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, एंड वो इनरोलमेंट 25 तारीख से शुरू है, मोर एन इवेंट 18-20 सीट ही खाली है। 15 तारीख से USDNR का बेस्ट 16 स्ट्रेटजी का कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कॉल मैसेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए फटाफट फ्रेंड, क्योंकि 100 सीट से ज्यादा हम लोग इस बैच में नहीं ले रहे हैं। सो कैसा लगा आपको आज का ये स्ट्रेटजी, ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, USDNR ट्रेडिंग सीखते रहिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।